श्रॉफ का कैरियर खत्म, आखिर कैसे? कौन सी आने वाली फिल्म टाइगर श्रॉफ का डूबता हुआ कैरियर बचा सकती है? आइए जानते हैं। देखो, टाइगर श्रॉफ की अभी तक कई सारी मूवीज आ चुकी है, जिसमें से कुछ फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही तो कुछ सुपर डुपर से भी ऊपर वाली फ्लॉप रही, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मुन्ना माइकल, फ्लाइंग जट, हीरोपंती 2, बागी 3, गणपत एंड डीएमसीएम। टाइगर श्रॉफ के कुछ चीजें जो हमें काफी ज्यादा पसंद आती है, जैसे कि डांस, फिजिक्स, एक्शन, जहाँ ये सब चीजों का यूज करके ये एक्टर्स अपनी फिल्मों को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर करवाते हैं, तो वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तो फ्लॉप होने का रीजन एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, जैसे कि ओवर एक्टिंग, यूजलेस डायलॉग्स एंड रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अगर टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनना है तो ये सब गलतियों को सुधारना होगा। अब बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की कुछ आने वाली मूवीज जो टाइगर श्रॉफ का डूबता हुआ कैरियर बचा सकती है। सबसे पहले सिंघम अगेन, जिसमें टाइगर श्रॉफ पुलिस के रोल में दिखेंगे एंड इनका रोल ACP सत्या होगा। इसके बाद इनकी आने वाली फिल्में है स्क्रू ढीला, गणपत पार्ट 2, बागी 4 एंड रैम्बो। वैसे क्या टाइगर श्रॉफ ये अपकमिंग मूवी से अपना कैरियर बचा सकते हैं? कमेंट करके बताना। और वैसे अभी तक मैंने कई शॉर्ट्स अपलोड कर दिए, तो जाओ एंजॉय करो और सब्सक्राइब कर लो।